तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल गॉड टेक्निकल। दोस्तों सिखाना मेरा काम, सीखना आपका। सीधे टॉपिक पर आ जाते हैं। टॉपिक है आप हेलो ऐप यूज़ करते हो? जी हाँ, तो टॉपिक आप ही के लिए हैं। टॉपिक आज का है कि हेलो ऐप पर एक ऐसा टैग है, कुछ ऐसे टैग्स हैं जिसमें आप अपनी वीडियोज़ अगर डालोगे तो अनफॉर्चुनेटली नहीं बल्कि डेफिनेटली आपकी वीडियोज़ वायरल हो सकती हैं। डेफिनेटली आपकी वीडियोज़ पर व्यूज़ आ सकते हैं। डेफिनेटली आपकी उस वीडियोज़ की वजह से फॉलोअर्स बढ़ सकते हैं। तो कौन से हैं वो टैग, आज के टॉपिक पर हम यही बात करने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं, अगर आप हेलो ऐप यूज़ करते हो या इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, अगर आप टिकटॉक या शेयर चैट यूज़ करते हो, तो मैं सब पे आ चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है भाई, जाके फॉलो कर सकते हो। हर एक प्लेटफॉर्म आपको अलग अलग मिलने वाला है मेरी हर एक आईडीज़ पर। शेयर चैट पर फॉलो करना ना भूलें यार, और शेयर चैट से ज़्यादा आपको फॉलो करना है मेरा इंस्टाग्राम पेज। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इंस्टाग्राम पर मैं लाने वाला हूँ आपके लिए बहुत अच्छा गिव अवे फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं आपकी आईडीज करने वाला हूँ प्रमोट इंस्टाग्राम पेज पर। तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो टॉपिक क्या है, एक तरफ शेयर चैट है, एक तरफ हेलो ऐप है, और मैं इन दोनों की ही वीडियो ज़्यादा बनाता हूँ, आप लोगों को पता है। जिन लोगों को नहीं पता वो वीडियोज़ में देख लेना, उनको लगभग पता हो जाएगा। आ जाते हैं थोड़ा सा। शेयर चैट क्या करता है, अपना कोई एक ऐसा टॉपिक निकालता है जिस पर वो अच्छे से व्यूज़ दे देता है। सेम वही है, हेलो ऐप भी ऐसा ही टॉपिक निकालता है जिस पर वो अच्छे से व्यूज़ देता है। अब इन दोनों को टॉपिक को बोलते क्या हैं, ये दोनों टॉपिक ही हैं आपके टैग्स। जब टैग आपके अच्छे मिल जाते हैं तो व्यूज़ आपके ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाते हैं, अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो। उल्टा सुलटा डालोगे तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, वो किसी में भी डाल लेना, कुछ नहीं चलने वाला। अब हेलो ऐप पर दो ऐसे टैग्स हैं जिन टैगों में आप अपनी वीडियोज़ डालते हो तो ये बात बिल्कुल तय हो जाती है कि आपकी वीडियोस पर व्यूज़ आ जाएंगे। समझ रहे हैं ना आप इस बात को। व्यूज़ आने का मतलब होता है कि आपके शेयर भी मिल जाएंगे। शेयर आने का मतलब है कि भाई अगर आपको कोई बंदा करेगा तो दिल से ही शेयर करेगा ना, तो फॉलो भी तो करेगा ना वो। तो ये एक प्रोसेस होता है आप तक आपकी आईडीज़ को इनक्रीज करने के लिए एक टैग का। अब वो टैग कौन से हैं, तो भाई ये आप देखिए, ये है आपका टैग जो है हेलो स्टार। हेलो स्टार जो टैग है, आप लोगों के लिए मैं बता दूं भाई, बेसिकली हेलो ऐप क्या करता है, आपकी वीडियोस को अच्छे व्यूज़ लाने के लिए आपकी टैलेंट को दिखाता है लोगों तक। अब उसके लिए आपके अंदर टैलेंट होना बहुत ज़रूरी है। मान लो अगर आपके अंदर टैलेंट ही नहीं है और आप वीडियोज़ भी मतलब इस टैग में डालोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला जी आपका। तो वीडियोज़ अच्छी से बनानी है, अच्छे से क्रिएट करनी है, और उसके बाद डालनी है आपको इस टैग में, ठीक है। अब आते हैं नंबर दो वाले पे। तो नंबर दो कौन सा है, ये लीजिए, ये है आपका EDU Superstar। EDU Superstar एक आपका TikTok पर भी चलता है, Superstar नहीं, वो EDU होता है, ठीक है। अब क्या है, इसके अंदर आपकी जो जनरल नॉलेज है उसकी वीडियोस आप बना रहे हो अगर, तो आपके लिए ये टैग सबसे ख़तरनाक है। ये भी मैं लिख कर दे सकता हूँ कि आपकी वीडियोस पर अच्छे व्यूज़ आ सकते हैं, अच्छी शेयर्स उसको मिल सकती हैं, या फिर अच्छे फॉलोवर्स भी उन सब की वजह से मिल सकते हैं अगर आप जनरल नॉलेज पर वीडियो बनाते हो। जनरल नॉलेज आपकी अच्छी है, आप वीडियोस बनाओ, क्रिएट करो कुछ और इस टैग पर डाल दो। ये भी वो टैग अच्छा है जो आपको जनरल नॉलेज के लिए। अब इसके अंदर भी कुछ कैटेगरीज हैं, कैटेगरीज आपके आपके आप अगर मैथ का टॉपिक बनाते हो, आप अगर साइंस का टॉपिक बनाते हो, या फिर आप कोई एक हिस्ट्री कुछ उठाते हो जो कि आज के लिए जनरल नॉलेज है और लोगों को अवेयरनेस करती है, आप वीडियोज़ बना सकते हो। या फिर आप कोई व्लॉगर हो तो उस व्लॉगर में भी आपकी कुछ जनरल नॉलेज दिख रही है, उभर रही है, चमक रही है, आप उसको भी बना सकते हो वीडियो। ये वो जो ये सारी चीज़ें हैं जो जनरल नॉलेज के अंदर आती है। अब इनके अंदर अगर आप वीडियोस बना रहे हो तो ये टैग आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और मज़ा आ जाएगा अगर आप इस टैग पर डालोगे तो, ठीक है। कट करते हैं स्लाइड, अब आ जाते हैं मेन पर। तो भाई ये दो टैग है, इन दोनों टैगों के लिए मैंने आपको बताया कि आपकी वीडियोस अच्छी होने चाहिए। पहले तो कोई भी ख़राब वीडियो इसमें उठा के डालोगे तो उसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, इस बात का ध्यान रखना। अगर आप 4 से 5-10 मिनट तक एक वीडियो बनाने में लेते हो तो कोशिश करो उस 10 को 15 मिनट कर दो, लेकिन वीडियो आपकी एक नंबर की होनी चाहिए। अगर एक नंबर की वीडियो है तब आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, मान लो आपने एक वीडियो में एक घंटे की मेहनत करी तो आपका एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है ना कि यार इस पर वीडियोज़ पर व्यूज़ तो आने चाहिए यार, यार मिलियन तो जानी चाहिए यार, एटलीस्ट मिलियन नहीं तो लाखों में तो जाना चाहिए। जब वो एक्सपेक्टेशन आपकी बढ़ती है तो आपके लिए ज़रूरी हो जाता है आपको साथ या राह दिखाने वाला। अब ये टैग वही काम करता है, आपको राह भी दिखाएगा, आपको टैग का सहारा भी है, और इसकी वजह से आपके जो व्यूज़ है वो तुरंत खींचेंगे,
बट आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए। हेलो ऐप पर मेरी कुछ वीडियोस ऐसी हैं, आप जाके देख सकते हो। उन वीडियोस पर चंद दिनों में, यानी कि अभी लगभग 15-17 दिन हुए हैं, 15-17 दिनों में उन पर व्यूज़ ऐसे आए हैं, मतलब समझ लो 7-8 लाख व्यूज़ 15 दिनों के अंदर। और उसमें से लाइक्स भी अच्छे आ रहे हैं, शेयर भी अच्छे मिल रहे हैं। अब शेयर भी अच्छे मिल रहे हैं, लाइक्स भी अच्छे मिल रहे हैं, और तो और आपके व्यूज़ भी अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात फॉलोअर्स भी आ रहे हैं। ये सारी चीज़ मैं कोई अपने एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूँ, कोई गलत किसी वीडियोस से मैं नहीं देख के बताता हूँ। आप जाके मेरी आईडीज़ पर चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है, तो आप जाइए और चेक करिए। तो आज के टॉपिक पर जो मैंने आप लोगों को समझाना था मैंने समझा दिया। याद रखना ये दो टॉपिक है, लेकिन इन दो टॉपिक पर अगर आप वीडियोस बनाते हो तो उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस थे, वो यही कि आपका जो टॉपिक है, आपकी जो वीडियोस है, आपका जो कंटेंट है वो कंटेंट क्लियर होना चाहिए। उस कंटेंट में आप जो दर्शाना चाह रहे हो वो दर्शाना होना चाहिए और किसी भी पॉलिसी के खिलाफ नहीं होनी चाहिए, तब तो आपकी वीडियोस अच्छी रैंक कर सकती है। अगर इसके अलावा भी आपको कोई दिक्कत है या कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होती है तो यार मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हो, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देता हूँ भाई, ऐसी बात नहीं है, देखता भी हूँ आपके कमेंट। तो मेरे को फटाफट से कमेंट करो दोस्तों, वीडियो ये उन लोगों के साथ शेयर करना जो हेलो ऐप पर व्यूज़ नहीं पा पा रहे हैं या फिर हेलो ऐप पर उनके फॉलोवर्स नहीं बढ़ पा रहे हैं, मज़ा आ जाएगा जी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, जय हिंद।